हेलो एवरीवन, हियर इज़ द टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल। ठीक है, माय नेम इज़ अनुज गौतम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हो, एंड इन द कॉमेंट बॉक्स आप मुझे वहाँ पर भी बता सकते हो। ठीक है, एंड तो एक और होता है यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के लिए, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है बनाकर, उसमें लीनियर पॉलीनोमियल भी है तो आप वहाँ जा कर देख सकते हो। उसमें वीडियोज़ में क्वाड्रेटिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लीनियर एक बार कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, बट हम इस टॉपिक में समझेंगे, आज हम समझेंगे इसमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक क्यूबिक पॉलीनोमियल लेट कर लेते हैं। तो लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स की पावर 3। अब क्यूबिक पॉलीनोमियल है तो दैट्स मीन इसमें जो हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए। तो ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी। ठीक है, एंड अब ये तो हमारी इक्वेशन हो गई, पॉलीनोमियल इक्वेशन हो गई। अब मुझे इसके जीरोज़ और इसके कोफिशिएंट्स तो हमको पता है, इसमें कोफिशिएंट हमारे ए बी सी वगैरह हैं, बट इसके जीरोज़ मतलब हमको पता तो है नहीं, हम इसको लेट कर सकते हैं। तो हमने लेट कर लिए अल्फ़ा बीटा एंड गामा बी द ज़ीरोज़। ये क्या इसके ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, समझ में आया। तो देखो, ये पॉलीनोमियल जो होगा इसका मतलब ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी, वो जो होगा वो इक्वल होगा किसके, इनके जीरोस के इक्वल होगा। अब जीरोस क्या हैं इसके, अल्फ़ा बीटा और गामा, इसके फैक्टर्स के इक्वल होगा। फैक्टर्स क्या होते हैं इनके मतलब, अब एक बात बताओ मेरे को, मान लो आप कि मैं आपको ये समझा देता हूँ। जैसे मैं आपको बोलूँ कि अगर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, तो y इज इक्वल टू, यहाँ से हमारी वैल्यू क्या निकल के आती है, 3 वैल्यू आंसर निकल के आता है। तो y ये क्या हमारा 0 है, और इसका फैक्टर क्या हमारा, ये फैक्टर है इसका, यहाँ पर y इज इक्वल टू 3 क्या हमारा, ये 0 है। और ये इसका अगर मैं इसका फैक्टर पूछ, तो फैक्टर क्या हमारा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इसका फैक्टर है। तो ऐसे ही हमारा अल्फ़ा का फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फ़ा, और ऐसे ही हमारा x माइनस बीटा और x माइनस गामा। सिंपल, समझ में आया। ठीक है, इसका मतलब सिंपल ही अल्फ़ा था इसलिए उसका जीरोस था। अब जब जीरोस था तो इसका फैक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, एक्स माइनस अल्फ़ा हो जाएगी, क्योंकि जब 3 हमारा इसका जीरो था तो इसकी फैक्टर फॉर्म क्या थी, वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों किया है, यहाँ पर तो प्लस लगा हुआ है। तो एक बात बताओ आप मेरे को, जब ये फैक्टर्स हैं इसके तो मैं इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो फैक्टर्स का मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा आपस में, तो मेरा आंसर फैक्टर ही आएगा ना वो, सिंपल। ठीक है, तो इसलिए ये इस पूरे पॉलीनोमियल्स के फैक्टर्स हमारी ये हो गए इसके इक्वल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा एक के जो है हमारा कांस्टेंट टर्म हो रहा है हमारा, यहाँ पर हम लिख देंगे वेयर के इज कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। अब आप भी सोचेंगे के कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कैसे हो गया। अब एक बात बताओ आप मेरे को, जब ये जो है इसको डिवाइड करेगा पूरा पूरा, तो अब आंसर जरूरी तो नहीं है कि ज़ीरो आएगा, आंसर ज़रूरी तो नहीं है कि ज़ीरो आएगा, क्योंकि भाई ये इसका फैक्टर है ना, ये इसको जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ज़रूरी तो नहीं है कि आंसर हमारा ज़ीरो आएगा, कोई ना कोई एक नंबर आएगा। तो वो नंबर क्या होता है, हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, तो वो कांस्टेंट टर्म हमारा, इसलिए यहाँ पर हम के मानते हैं। वैसे मानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम मानना लेट करना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर मान लो पूरा पूरा डिवाइड चला भी गया तो एटलीस्ट 1 तो आंसर आएगा कम से कम। ठीक है, अब देखो इसमें आप आगे कैसे करेंगे, हम अब देखो इससे, अब देखो इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कैसे। देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, के को बाहर लिखने रहने दूंगा, अब इनको सॉल्व करूँगा। अब इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करके आप ब्रैकेट ओपन कर लो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये दोनों ब्रैकेट ले लिए, एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, देखो पहले आप एक्स का मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों में, तो एक्स का मल्टीप्लाई आप एक्स में करोगे एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई बीटा में करोगे तो बीटा एक्स, और फिर अल्फ़ा का मल्टीप्लाई एक्स में करोगे तो माइनस अल्फ़ा एक्स, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका अल्फ़ा बीटा। ठीक है, सिंपल। अब ये आगे हमारा पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया हमारा, नेक्स्ट हमारा ब्रैकेट क्या बचा, एक्स माइनस बीटा बचा, सॉरी गामा।
अब इसको सॉल्व कर लूँगा मैं, इस पूरे का मल्टीप्लाई कर लूँगा इसमें मैं। तो देखो एक्स का मल्टीप्लाई पहले आप इन तीनों में कर लो, चारों में। तो एक्स का मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस का। अब इस एक्स का मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे आप सिंपल, तो कितना आंसर आएगा आपका, थोड़ी एक्स क्यूब आएगा यहाँ पर। अब एक्स का मल्टीप्लाई बीटा एक्स में करोगे या फिर कैसे भी कर लो आप, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर लो, फिर बीटा एक्स का इन दोनों में कर लो, फिर अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा आएगा ना यहाँ पर, यह नहीं नहीं सॉरी यहाँ सही है, अल्फ़ा एक्स का मल्टीप्लाई फिर आप इन दोनों में कर लो, अल्फ़ा बीटा का आप इन दोनों में कर लो, कैसे भी कर लो, या फिर एक्स का आप इन चारों में कर लो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखो एक्स क्यूब आ गया। अब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई मैंने गामा में करा, तो कितना आ जाएगा हमारा, एक्स वाई सॉरी गामा एक्स स्क्वायर फिर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बीटा गामा माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा गामा एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा एक्स और माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। सिंपल समझ में आया हुआ आपको, ठीक है। मैंने कुछ नहीं करा, ब्रैकेट ओपन कर दिए बस सिंपल, और कुछ नहीं करा यहाँ पर हमने, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, उसमें आगे समझते हैं। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे यहाँ पर, मैं के को यहाँ पर लिखता हूँ और एक्स की पावर थ्री, ठीक है। अब जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाले ना उनको पास पास लिख लो, और एक्स वाले और मतलब साइड साथ लिख लो, तो गामा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी पास में था पहले से, ठीक है। अब देखो ये अल्फ़ा वाला एक्स स्क्वायर वाला और यहाँ पर, तो उसको मैंने यहाँ पर लिया है अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस अब एक्स वाले एक साथ लिख लो, एक्स बीटा गामा और प्लस अल्फ़ा गामा एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा एक्स, अल्फ़ा बीटा एक्स और माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, एक्स इज ब्रैकेट में इन द ब्रैकेट एक्स की पावर थ्री माइनस, यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ ना मैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक्स स्क्वायर जब मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस गामा। अब आप बोलोगे से प्लस कैसे आ गया, तो माइनस है। अब आप क्या बताओ, एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सिंपल वही आ जाएगा सिंपल, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से मैं एक्स कॉमन ले लूँगा, तो जब मैं यहाँ से एक्स कॉमन ले लूँगा तो इन द ब्रैकेट क्या बचेगा मेरा, इन द ब्रैकेट बचेगा यहाँ से मेरा, तो देखो यहाँ से बचेगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फ़ा, ठीक है, ये हमारा सिंपल बचेगा, और माइनस अल्फ़ा बीटा और गामा, सिंपल। समझ में आ रहा होगा आपको यहाँ तक अच्छी तरह, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब इसमें अब देखो सिंपल, इसमें अब हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे पूरा, पूरा ओपन मतलब क्या, के का मल्टीप्लाई कर देंगे सामने। तो देखो ये हो जाएगा के एक्स की पावर थ्री माइनस के एक्स स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लिखने देंगे हम, अल्फ़ा बीटा और गामा प्लस के एक्स अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस बीटा अल्फ़ा। ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको टफ लग रहा होगा क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा ये इतना आ गया इसमें, वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप इसमें आप आगे क्या करेंगे, अब देखो हमने ये सब इतना कुछ करा क्यों, इतना कुछ हमने, अब देखो यहाँ तक हम आगे पहुँच गए, यहाँ तक लास्ट आपका, सॉरी आपको दिखाई नहीं दिया, मैं ध्यान भी नहीं दिया मैंने सॉरी आपका। देखो यही लास्ट लाइन है, नेक्स्ट लाइन थी आपकी, जब मैंने के का मल्टीप्लाई करा था इन सब के अंदर, तो के का मल्टीप्लाई इसमें एक्स क्यू में करा था, ये आ गया हमारा एक्स, के का मल्टीप्लाई इसमें करा था हमारा, ये सब कुछ आ गया हमारा, ठीक है, सिंपल। अब देखो अब मैं क्या करूँगा, इस पूरी इक्वेशन को किससे कंपेयर करूँगा मैं, इस जो मैंने स्टार्टिंग में इक्वेशन लिखी थी उससे, स्टार्टिंग में मैंने कौन सी इक्वेशन लिखी थी, ये वाली इक्वेशन ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब कंपेयर करना आप जानते होंगे, देखो यहाँ पर एक्स क्यू लिखा हुआ है, ये सब तो इजिकल टू में चल रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पर तो ये वाली, यहाँ पर जो इक्वेशन है ये वाली पूरी इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है, तो मैं इसको दोबारा लिख नहीं रहा, डायरेक्ट मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ। यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे। तो अब देखो जब दोनों साइड्स को कंपेयर करूँगा मैं, तो यहाँ पर एक्स की पावर थ्री, यहाँ पर भी एक्स की पावर थ्री, मतलब ये पूरा का पूरा इधर लिखा हुआ है ना, इजिकल टू के इधर तरफ लिखा हुआ, तो एक्स की पावर थ्री इधर, एक्स की पावर थ्री इधर, तो ए की वैल्यू यहाँ से हमारी क्या हो गई, यहाँ से ए की वैल्यू हो गई यहाँ से हमारी के, या फिर के की वैल्यू हो हम ए बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप। अब नेक्स्ट देखो
यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर ही आ रहा हमारा, तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी इक्वल टू एक्स स्क्वायर को हटा दो, बाकी जितना कुछ लिख रहा है वो सब लिख दो, माइनस का साइन साथ में आ गया, ये जरूर ध्यान रखना आप, यहाँ पर मिस्टेक मत कर रहा, यहाँ पर आपने अगर एक मिस्टेक करी आपका पूरा क्वेश्चन जाएगा साथ में। देखो एक्स यहाँ पर भी एक्स यहाँ पर भी एक्स, तो यहाँ पर सी किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, सी इक्वल हो जाएगा हमारा के इन द ब्रैकेट अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फ़ा, ठीक है। अब देखो लास्ट ये बचा डी, तो डी बचा यहाँ पर सिंबल हमारा, तो डी की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी हो जाएगी, डी की वैल्यू हो जाएगी हमारी, सॉरी डी की वैल्यू हमारी यहाँ से हो जाएगी, देखो माइनस का के अल्फ़ा बीटा और गामा, ठीक है, सिंपल आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो सिंपली आप, अब अगर हम यहाँ से देखेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस गामा इजिकल टू हमारा क्या हो जाएगा, बी अपॉन माइनस के, ठीक है, बट मैं बी अपॉन माइनस के नहीं लिखूँगा, मैं बी अपॉन माइनस ए लिखूँगा मैं। अब बोलोगे सर बी अपॉन माइनस ए कैसे आ गया आपका, आप जरा थोड़ा ध्यान से देखोगे तो के हमारा किसके इक्वल था, ए के इक्वल था नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा बी अपॉन ए आ जाएगा हमारा, के की जगह हम ए ले सकते हैं सिंपल, तो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हमारा किसके इक्वल आ गया, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आ गया, के इक्वल नहीं आएगा, ए के इक्वल आएगा सिंपल, ठीक है। सेम हमारा आप देखो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा आप अगर बुक में देखोगे तो बुक में आपको देखो यही दिए होंगे फॉर्मूले, इसके वहाँ पर जो आप बोलते हो फॉर्मूले या फिर कुछ भी, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा जो दिया हुआ हमको, किसके इक्वल दिया हमको यहाँ पर, किसके इक्वल हो जाएगा, सी अपॉन के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि के इसके नीचे आएगा, तो मैं सी अपॉन के ना लिखकर सी अपॉन क्या लिखूँगा, मैं ए लिखूँगा, तो ये किसके हो जाएगा इक्वल हो जाएगा हमारा, सी अपॉन ए के इक्वल हो जाएगा सिंपल, ठीक है। अब लास्ट हमारा क्या बचा, ये डी वाला पोर्शन, तो अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा और गामा, अल्फ़ा बीटा गामा किसके इक्वल हो जाएगा, डी अपॉन माइनस के, तो डी अपॉन माइनस के ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, क्योंकि ए हमारा के इक्वल है, दैट्स वाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा की हमारी वैल्यू हो जाएगी आंसर। आई होप आपको यहाँ तक पूरा अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखो ये आ गया हमारा फाइनली रिलेशनशिप, रिलेशन बिटवीन आ गया हमारा पूरा का पूरा आंसर, जैसे उन्होंने पूछा था ना आगे हमारा सबसे स्टार्टिंग में रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट, तो जीरोज एंड कोफिशियंट का हमारा रिलेशन ये आ गया हमारा पूरा का पूरा, तीनों के तीनों रिलेशन और उसके कोफिशियंट के बीच का रिलेशन हमारा, ठीक है, जीरोज और कोफिशियंट के बीच का रिलेशन। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक बार रिपीट करके और ध्यान से देखिएगा, इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड क्वाड्रेटिक की मैंने वीडियो ऑलरेडी बना कर डाल चुका हूँ अपने चैनल पे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, ठीक है, थैंक यू सो मच।